हे गाइस हाउ आर यू ऑल डूइंग तो आज की वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ ग्लिटरी आईज और बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल है ये बिगनर्स फ्रेंडली तो लेट्स स्टार्ट ग्लिटरी आईज है तो मेक्शर sure करें अपना आई मेकअप पहले करें सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को फिल करने वाली हूँ आप कोई भी आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं डार्क ब्राउन शेड की होनी चाहिए जो आपके हेयर से मैच करे ठीक है उसके बाद मैं अपने आईलेट एरिया पे लगाने वाली हूँ कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर और मेक्शर sure करें आप कंसीलर थोड़ा सा लाइट शेड में यूज करें सो दैट की जो कलर्स आप यूज़ करें ना वो और ज़रा पॉप हों आई शेडो पैलेट के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ न्यूली लॉन्च पैलेट फ्रॉम होडा ब्यूटी एम्पावर्ड पैलेट है ये बहुत अच्छा पैलेट है गाइज सुप्रीमली पिगमेंटेड सबसे पहले मैं इस शेड को यूज़ करने वाली हूँ जो कि लाइट शेड है एज ए ट्रांजिशन कलर और अच्छे से मैं इसको ब्लेंड करूँगी बैक एंड फोर्थ मोशन में उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ पेंसिल टेपर्ड ब्रश और इसके मैं उठाऊंगी ग्रे कलर को और उसको मैं लगाने वाली हूँ बाहर की तरफ और अंदर की तरफ बैक एंड फोर्थ मोशन में आपको ब्लेंड करते रहना करते रहना फिर एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से एजिस को ब्लेंड कर दूँगी सो दैट देर आर नो हार्श लाइन्स ओके मेक श्योर य स्टेप आप ज़रूर फॉलो करें उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ इस ब्यूटीफुल से शिमर शेड को और एक गॉर्जियस कलर है, गाइस। बहुत अच्छा नटोर है इसका इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ विद माय फिंगर्स एंड लुक एट द पिगमेंट लाइक लुक एट द पिगमेंट वन स्वाइप में ही आपको अच्छा कवरेज मिल जाएगा अच्छे से ब्लेंड करूंगी और ब्रश की हेल्प से एजिस को अच्छे से डिफ्यूज़ कर दूंगी फिर मैंने आउटर कॉर्नर्स में ना, ना ग्रे शेड को यूज़ किया है क्योंकि आउटर कॉर्नर्स थोड़े से लाइट हो गए थे इसलिए मैंने ऐड कर लिया कलर और बैक एंड फोर्थ मोशन में अगेन ब्लेंड करूँगी विद अ फ्लफी ब्रश एंड अगर आपके क्रीज़ के ऊपर भी शिमर शेड लग जाए ना कोई दिक्कत नहीं है गाय बहुत अच्छा लुक आता है तो आप क्रीज पर भी शिमर्स ऐड कर सकते हैं फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ प्रेस्ड ग्लिटर्स अपने जहाँ पर मैंने शिमर लगाया था ना वहीं पर इस शेड को लगाऊंगी थोड़ा सा सिल्वरी टोन में है और फिर मैंने क्या किया है ये वाले शेड को मैं इनर कॉर्नर्स में लगाऊंगी यहाँ पर लगाऊंगी सी एट अ टाइम आप दो ग्लिटर्स को यूज़ कर सकते हैं और प्रेस ग्लिटर्स को लगाना तो बहुत ज़्यादा आसान है आप फिंगर्स यूज़ कर सकते हैं बट इनर कॉर्नर्स तक फिंगर्स नहीं पहुँच पाती हैं गाइस तो इसलिए मैंने ब्रश यूज़ किया है अब मैं थिक सी लाइन ड्रॉ करूँगी मैं जेल लाइनर लगाऊंगी और बहुत अच्छी लगती है इस तरीके की आई लुक्स आप देखेंगे कितनी सारी मेकअप आर्टिस्ट इस तरीके की लुक्स क्रिएट करती हैं तो मैं एक थिक सी लाइन ड्रॉ करूँगी और अच्छे से स्मज आउट करूंगी विद अ ब्रश और फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ मस्कारा सो दैट की मेरी लाशेज प्रेप हो जाए फॉर आई लैश और आई लैश से तो पूरा लुक ही कंप्लीट हो जाता है गाइज एंड बात जो है गाइज मैंने लेंसेज भी लगाई हैं और लेंसेज से ना आपका आई मेकअप और स्टैंड आउट होता है एंड यू कैन सी द डिफरेंस विद लाशेज एंड विदाउट लैशिज ओके गाइज तो लैशेज पॉप हो गई हैं नॉ लेट्स मी वॉन्ट द बेस मेकअप सी कितना फॉलोआउट हो गया था राइट right? अगर बेस के ऊपर करते तो कितना दिक्कत होता है आपको जो मेक श्योर करें कि आप हमेशा अपना बेस बाद में करें उसके बाद मैं जो भी फॉल आउट था मैं वेट वाइप की हेल्प सेल्यू निकाल दूंगी उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ एम्ब्रियोलिस का ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र इट ऑल्सो वर्क अ प्राइमर फॉर द ड्यूई बेस आई बी यूजिंग मेकअप रियल मेकअप बेस फ्रॉम स्विस् ब्यूटी इसके ऊपर एक सेप्रेट वीडियो बना चुकी हूँ आइज प्लीज जाके वॉच करना शोसम लव एंड बस इसको अच्छे से मैं अपने फेस पर लगाऊंगी और एक अच्छा ड्यूई फिनिश आ जाएगा मेरे फेस के ऊपर फॉर द फाउंडेशन आई बी यूजिंग माई फेवरेट फाउंडेशन फ्रॉम फॉर एवर फिफ्टी टू ये बहुत अच्छी कवरेज देता है मेरा जो शेड है वो है एफ एल एफ डबल जीरो फाइव और मैं पहले बैक ऑफ द हैंड में लेके इसको वॉर्म करूँगी उसके बाद प्रोडक्ट को लगाऊंगी आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं या ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं इट्स ऑल अप टू योर चॉइस मैं तो बोलूँगी दोनों यूज़ कर लो पहले आप ब्रश से लगा लो उसके बाद आप टैप टैप करके ब्लैंड कर लो अच्छे से ब्यूटी ब्लेंड ब्लेंडर की हेल्प से और बस अच्छे से मैं ब्लैंड करूंगी एंड आई जस्ट लव द कवेज ऑफ दिस फाउंडेशन का आईज के लिए या वेडिंग गेस्ट के लिए परफेक्ट फाउंडेशन है और अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी विद अ ब्यूटी ब्लेंडर और ब्यूटी ब्लेंडर आपका ड्राई नहीं होना चाहिए डैम्प होना चाहिए पानी नहीं होना चाहिए उसमें ठीक है बिल, बिल्कुल सूखा और गीला का मिक्स होना चाहिए सो so, मैं यूज़ कर करी स्विस बी डी का कंसीलर क्योंकि बहुत अच्छा कवरेज देता है और बहुत ही जल्दी से ब्लेंड भी हो जाता है और बिल्कुल भी केक ही नहीं लगता है बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा सीमलेस ब्लेंड होता है गाइस मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूंगी एंड देन लेटर ऑन आई डेफिनेटली यूज अ ब्यूटी सो दैट कि कोई भी स्ट्रोक्स ब्रश के नजर ना आए सो मेक श्योर करें आप हमेशा ब्रश अगर यूज़ करें तो ब्यूटी ब्लेंडर तो आपको यूज करना ही करना है ठीक है गाइस तो अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी मैं उसके बाद मैं अपने अंडर आई एरिया को सेट करने वाली हूँ यूजिंग लूज पाउडर फॉर मे ये है ये फिफ्टीन शेड में और uh, अच्छे से मैं पाउडर पफ की हेल्प से ब्लेंड करूंगी सो so दैट की एक अच्छा सीमलेस फिनिश आ जाए अब आपको क्रीम ब्लश लगाना है ना तो आपको पाउडर नहीं लगाना है पहले ठीक है पहले आप क्रीम ब्लश लगाओ उसके बाद पाउडर लगाओ तो मैंने अपना अंडर आई एरिया तो सेट कर लिया मैं क्रीम ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ लव अर्थ का और इसको मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से लगाऊंगी और बहुत 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 कमाल का ब्लश है मैंने वैसे इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है मैं फेवरेट ब्लशेज तो आप जाके चेक कर सकते हैं और बस मैं अपने नोज पर भी लगाऊंगी एंड आई जस्ट लव द अंडर टोन ऑफ दिस किस एंड टेल है इसका शेड और बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है एंड लुक एट माई चीक्स लाइक विद इन सा फ्लश ऑफ कलर एड हो गया है राइट तो बस ब्यूटी ब्लेंडर की सॉरी पाउडर पफ की हेल्प से मैं पूरे फेस को सेट करूंगी यूजिंग मेबिलिन फिटमी पाउडर और बहुत हल्का हाथ रखूंगी क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है बट मुझे सेट करना है क्योंकि मुझे पाउडर्स लेयर करने हैं क्रीम बेस के ऊपर पाउडर्स डायरेक्टली ना लेयर करें अदरवाइज ब्लॉची लगेगा आपका फेस पैच हो जाएगा अब मैं यूज़ करने वाली हूँ हुला ब्रॉन्जर दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ब्रॉन्जर मैं इसको खत्म करना चाहती हूँ इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में यही यूज़ कर रही हूँ ये बहुत महंगा है तो यार यूज़ करो ना जो प्रोडक्ट्स आपके पास हैं बस एक एंग्लर ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से फेस पे लगाऊंगी और इसी सेम ब्रश की हेल्प से मैं लगाने वाली हूँ ब्लश भी मैं यूज़ कर रही करूँ मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट और अच्छे से ब्लश को लगा लूंगी और ये ब्लश सॉरी ये ब्रश जो है ये मार्स कॉस्मेटिक्स का है बहुत अच्छा ब्रश है गाइस एंड वेरी अफोर्डेबल टू आई थिंक अंडर 300 या 400 में आपको मिल जाएगा फॉर द हाइलाइटर आई आईल बी यूजिंग मे सॉरी वेड एंड वाइल्ड आफ्टर सेक्स ग्लो हाईलाइटर ये पिंक कुछ शेड है उसी को लगाऊंगी मैं अपने फेस के ऊपर एंड लुक एट दैट ग्लो बहुत ही सुंदर सर्कल ग्लो प्रोवाइड करता है ये इनर कॉर्नर्स में लगाऊंगी ब्रोबोन के नीचे लगाऊंगी क्यूपिड बो पे लगाऊंगी एंड द टिप ऑफ द नोज पे भी लगाऊंगी अब आई लुक कंप्लीट करते हैं मैं यूज़ करने वाली हूँ सबसे पहले काजल जेल लाइनर्स हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं तो प्रेफर करें कि जेल लाइनर्स ही यूज़ करें जो अगर आप वेडिंग मेकअप करें उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ मॉर्फी का पैलेट और इस रेड शेड को यूज़ करने वाली हूँ टू डिफ्यूज़ द लोअर लाइश लाइन एंड गाइस आजकल कल इस तरीके की ना लोअर लैश लाइन बहुत ज़्यादा इन है कभी लोग आ, ब्लू करते हैं ग्रीन करते हैं देन यू नो डिफ़रेंट डिफरेंट कलर्स ऐड कर रहे हैं आजकल लोअर लैश लाइन में कंट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं बहुत अच्छा लुक लगता है और ये रेड कलर बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ है एंड वेरी पिगमेंटेड टू लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किए हैं ये तीन लिपस्टिक्स ओके okay? एक है कैटवॉन की लोलिता टू दूसरी है मॉर्फी इसका नाम मुझे याद नहीं है और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगी फिर मैंने ये लिप ग्लॉस यूज़ किया है जो कि मे बी इनका बस इन तीनों को मैंने यूज किया है आजकल लॉसेज लगाना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे फिर मैं अपने फेस को सेट करी यूजिंग रियर ब्यूटी सेटिंग uh, स्प्रे या आपके फेस को और ज़रा ग्लोई और ड्यूई दिखाता है और उसके बाद मैं अपने लोअर लैशेस पे लगाने वाली हूँ मस्कारा सो दैट द आई लुक इज़ बैलेंस एंड दैट्स अ फिनिश्ड लुक यू गाइस आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो मेरी ज्वेलरी है कोहिनूर बाय ज्वेलरी से और मेरा जो टीका है कि एयर रिंग है उसको मैंने टीका बनाया है बहुत ही ब्यूटीफुल लुक टर्न आउट हुआ है गाइज़ और इस लुक को आप क्रिएट कर सकते हैं वेडिंग के लिए एंगेजमेंट के लिए एंड या yeah, अगर आप मेरी कोई भी लुक रिक्रिएट करते हो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग करना विद पिक्चर्स आई वुड लव टू अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट करके जाना मैं कोशिश करूंगी मैं सब प्रोडक्ट्स की डिटेल नीचे दू अदरवाइज मैं उनके ऑल्टरनेटिव जरूर मेंशन कर दूंगी एंड नाउ आई सी यू इन मै नेक्स्ट वन न्यू वीडियो टिल दिन हैप्पी लॉट्स ऑफ लव टेक केयर बाई